नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में या भारत में आधुनिक भूगोल का विकास हम पढ़ रहे थे, और उसमें हमने इसके चरण पढ़े और जो भूगोल की विभिन्न शाखाएँ हैं उनका विकास भारत में किस प्रकार हुआ इस बारे में हम पढ़ रहे थे। और कल हमने यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नगरीय एवं अधिवास भूगोल का भारत में अध्ययन किस प्रकार प्रारंभ हुआ और इसके कौन कौन से जो तथ्य हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल के बारे में। जनसंख्या भूगोल की जो शाखा है उसका विकास भारत में किस प्रकार हुआ इस बारे में हम पढ़ेंगे। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल के बारे में हम पढ़े भी। जनसंख्या का भूगोल जो है उसका विकास भारत में किस प्रकार हुआ था। तो जनसंख्या भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत में जनसंख्या भूगोल का जो प्रारंभ है या क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय है क्रमबद्ध श्रेय प्रोफेसर जी सी गोसल, प्रोफेसर जी सी गोसल को इसका श्रेय दिया जाता है कि भारत में प्रोफेसर जी एस सॉरी जी सी नहीं है जी एस गोसल हैं प्रोफेसर जी एस गोसल जो हैं उनके द्वारा भारत में जनसंख्या भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन है वो प्रारंभ किया गया था। अब इन्होंने ये जो जनसंख्या भूगोल का अध्ययन का जो प्रारंभ था वो हुआ था 1950 के दशक के पश्चात, क्योंकि हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में बहुत जो भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास है वो ज़्यादातर 1950 के बाद का जो 1950 का जो दशक था उसमें ये एक प्रकार से विकसित हुआ था। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो PhD की उपाधि प्राप्त करने के लिए अपना शोध प्रबंध जनसंख्या भूगोल में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो 1956 में GT त्रिवार्था के निर्देशन में GT त्रिवार्था के GT त्रिवार्था है उनके निर्देशन में उन्होंने इन्होंने क्या अपनी PhD की उपाधि प्रस्तुत करने के लिए शोध प्रबंध या शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या है 1956 में GT त्रिवार्था के निर्देशन में अपनी जो PhD की उपाधि प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जनसंख्या भूगोल से संबंधित अपना शोध पत्र है वो प्रस्तुत किया था। तो ये थे GT त्रिवार्था के निर्देशन में इन्होंने USA के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यानी विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर अपना इन्होंने शोध प्रबंध है वो प्रस्तुत किया था GT त्रिवार्था के निर्देशन में USA के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में 1956 में इन्होंने अपना शोध प्रबंध है वो प्रस्तुत किया था। अब इस शोध प्रबंध का विषय था ए ज्योग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ए ज्योग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ये इसका प्रबंध का विषय था।
जो शोध प्रबंध इन्होंने 1956 में प्रस्तुत किया था, उसका विषय था ए ज्योग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी भारत की जनसंख्या का इसको भौगोलिक विश्लेषण हम कह सकते हैं, भारत की जनसंख्या का भौगोलिक विश्लेषण। भारत की जनसंख्या का भौगोलिक विश्लेषण जो है उसमें इन्होंने अपनी सर्वप्रथम इन्होंने क्या है अपना शोध प्रबंध है वो प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो जी एस गोसल हैं वो पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में जो स्थित था, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय था, उसमें ये क्या है प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और यहां पर इन्होंने क्या किया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर जो जनसंख्या भूगोल है उसका अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया था। स्नातकोत्तर स्तर पर तो स्नातकोत्तर स्तर पर पंजाब विश्वविद्यालय में इनके द्वारा क्या है जनसंख्या भूगोल का अध्ययन है वो प्रारंभ किया गया था पंजाब विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या भूगोल के संस्थापक संस्थापक कौन है प्रोफेसर जी एस गोसल। तो भारत में जनसंख्या भूगोल के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में जनसंख्या भूगोल की जो स्थापना एक प्रकार से है या उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। तो यहाँ पर ये यानी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में जो है उसके ये विभाग भूगोल के विभाग अध्यक्ष रहे थे और इन्हीं के जो नेतृत्व में इन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर जनसंख्या भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ और बहुत से जो पंजाब विश्वविद्यालय के जो स्कॉलर है उन्होंने क्या है यहाँ से अपनी जो उपाधियाँ हैं वो जनसंख्या भूगोल में इन्होंने प्राप्त की थी। और इन्होंने क्या किया जनसंख्या भूगोल में शोध करने के लिए जनसंख्या भूगोल के जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर जनसंख्या के विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर शोध करने के लिए अपने जो शोधार्थी थे या जो विद्यार्थी इनके थे उनको इन्होंने प्रेरित किया, जिससे इसमें विभिन्न विद्वानों ने फिर बाद में इनका अपना योगदान है वो दिया था, जिसमें आर सी चांदना आरसी चांदना जो है वो 1969 में और ये 1970 में एस मेहता। तो इन विद्वानों ने क्या है अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित अपने जो शोध प्रबंध थे वो पंजाब विश्वविद्यालय में इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे पंजाब विश्वविद्यालय में। तो एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय है वो जनसंख्या भूगोल का महत्वपूर्ण केंद्र
रहा है, यानी आरसी चंदना, एस मेहता, इसके अलावा जो प्रोफेसर जीएस गोसल हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो स्नातकोत्तर स्तर पर जनसंख्या भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया गया। आरसी चंदना ने 1969 में और एस मेहता है उन्होंने 1970 में अपने शोध प्रबंध जनसंख्या भूगोल से संबंधित प्रस्तुत किए थे। तो इस प्रकार पंजाब विश्वविद्यालय है वो एक प्रकार से क्या था, जो जनसंख्या भूगोल का इसको महत्वपूर्ण केंद्र या प्रमुख केंद्र इसको माना जा सकता है। अब जो जीएस गोसल थे उनके द्वारा भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ जो है उसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ, तो भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रोफेसर जी एस गोसल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की गई थी और पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एस गोसल के द्वारा, और इसके द्वारा ये जो संघ है भारतीय भूगोलवेत्ता संघ है इसके द्वारा प्रोफेसर जी एस गोसल जो है उन्होंने भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ की स्थापना की। और ये जो भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ है यानी एक प्रकार से ये संघ जो स्थापित किया गया है इसके द्वारा क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है 1979 से, यानी 1979 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। और वर्तमान में भी इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पत्रिका का प्रकाशन भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ के द्वारा किया जाता है, जिसमें जनसंख्या भूगोल की जो नई उपलब्धियां हैं, नए आयाम हैं, नई चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या है एक प्रकार से वर्णन देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल का प्रारंभ जो है भारत में वो प्रोफेसर जी एस गोसल के सानिध्य में हुआ, उनके निर्देशन में हुआ। इसके अलावा आर सी चंदाना, एस मेहता जो विद्वान हैं उन्होंने भी क्या है जनसंख्या भूगोल को आगे बढ़ाने में भारत में अपना योगदान प्रस्तुत किया। और जी एस गोसल ने भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ की स्थापना की जिसके द्वारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1979 से किया जा रहा है। तो ये था भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास। अगली शाखा के बारे में हम देखते हैं वह है राजनीति भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम जिसको कह सकते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो राजनीतिक भूगोल का भारत में क्या है, जो भारत के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उनमें अध्ययन की हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा अन्य जो शाखाएं हैं उनका विकास भी कब प्रारंभ हुआ, 1950 के बाद। तो इसका विकास भी 1950 के बाद हुआ, यानी 1950 के बाद में भारत में राजनीतिक भूगोल की जो एक शाखा है राजनीतिक भूगोल उसकी एक प्रकार से उसका विकास प्रारंभ हुआ। और सम्मिलित तो इसको 1950 में कर लिया गया था लेकिन इसका वास्तविक विकास की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1960 के बाद, वास्तविक विकास 1960 के बाद। अब जैसे राजनीतिक भूगोल के हम संस्थापकों की अगर हम बात करें तो जैसे राजनीतिक भूगोल में जो प्रारंभिक जो कार्य हुआ था भारत में
उसमें भी पाश्चात्य जो या विदेशी भूगोलवेत्ता थे उनका विशेष योगदान रहा था। प्रारंभ पाश्चात्य भूगोलवेत्ताओं द्वारा, जैसे OH स्पेट इष्ट, ये हैं जिन्होंने क्या है भारत में जो राजनीति भूगोल है उसको प्रारंभ करने का प्रयास किया था। इसके अलावा ग्रिफिथ टेलर का भी नाम आता है जिन्होंने क्या भारतीय जो राजनीतिक भूगोल है उसके प्रारंभ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ग्रिफिथ टेलर। तो ये विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने भारत में क्या राजनीतिक भूगोल की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें OH स्पेट कह सकते हैं, OH के स्पेट है इनका नाम, और इसके अलावा है इष्ट और है ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे 1953 में जो इष्ट और स्पेट हैं उनके द्वारा एक जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था चेंजिंग मैप ऑफ एशिया, स्पेट और इष्ट के द्वारा 1953 में। चेंजिंग मैप ऑफ एशिया, ये पुस्तक इनके द्वारा क्या है लिखी गई, प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक में भारत के राजनीतिक भूगोल का वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक में क्या है, यानी चेंजिंग मैप ऑफ एशिया, ये पुस्तक किसकी है, OH के स्पेट तथा इष्ट की, और इन्होंने इसमें भारत की जो राजनीतिक भूगोल है उसका भी वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से अगर प्रारंभ की हम बात करें तो विदेशी जो विद्वान हैं उनके द्वारा इनका भारत में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा ग्रिफिथ टेलर ने 1962 में मॉडर्न इंडिया नाम से एक अपनी पुस्तक लिखी थी 1962 में, यह है ग्रिफिथ टेलर। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया बुक है वो इनके द्वारा लिखी गई थी 1962 में, मॉडर्न इंडिया जो लिखी गई, और वो क्या है भारतीय राजनीतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया भारतीय राजनीतिक भूगोल की इसको हम एक महत्वपूर्ण पुस्तक कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया को, जो कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा 1962 में लिखी गई थी। अब अगर भारतीय विद्वानों की हम बात करें तो सर्वाधिक कार्य राजनीतिक भूगोल में जो किया गया है वह किया गया है RD दीक्षित के द्वारा। भारतीय विद्वानों की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने सर्वाधिक योगदान राजनीतिक भूगोल के विकास में दिया उनका नाम था RD दीक्षित। तो इन्होंने भारतीय राजनीतिक भूगोल के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान दिया था। इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी, एक तो थी संघवाद का भूगोल और दूसरा था राजनीतिक भूगोल। एक संघवाद का भूगोल और दूसरी लिखी थी राजनीतिक भूगोल, ये थी 1982 में, और जो पहली पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी वह लिखी गई थी 1975 में। और जो आर डी दीक्षित हैं वो थे जो
रोहतक में भूगोल विभाग के ये प्रोफेसर रहे थे और इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी। आर डी दीक्षित के द्वारा संवाद का भूगोल 1975 में और राजनीतिक भूगोल इनके द्वारा लिखी गई थी 1982 में। अब इनके जो अध्ययन के विषय थे उनमें राष्ट्रवाद और संघवाद, ये इसके प्रमुख विषय थे। राष्ट्रवाद और संघवाद जो आर डी दीक्षित हैं उनके राजनीतिक भूगोल में जो मुख्य विषय थे वो राष्ट्रवाद और संघवाद थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या है, जैसे राष्ट्रीय एकता है, उसके अलावा राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति है, या फिर निर्वाचन भूगोल, इनके ऊपर भी अपने विचार इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो इस प्रकार इन्होंने क्या, राष्ट्रवाद, संघवाद, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति और निर्वाचन भूगोल आदि विषयों के ऊपर क्या अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ये जो दो पुस्तकें थीं, संघवाद का भूगोल और राजनीतिक भूगोल, जो आर डी दीक्षित के द्वारा लिखी गई, इन्होंने इसमें क्या राजनीतिक भूगोल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण